ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मकर राशि वालों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 दिसंबर से 11 दिसंबर यानी कि इन 7 दिनों के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में कि ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आपके लिए 5 दिसंबर से 11 दिसंबर यानी कि 7 दिनों का समय किस प्रकार रहने वाला है, या दोस्तों ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से इन 7 दिनों में आपको किन किन चीजों से फायदा होगा, किन किन चीजों से आपको सावधान रहना होगा, साथ ही साथ ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से इन 7 दिनों में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा, और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। या दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके 5 दिसंबर से 11 दिसंबर यानी कि इन 7 दिनों के संपूर्ण और सटीक राशि फल के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को आप पूरा देखें। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें, कमेंट्स बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसा रहेगा भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी राशि वालों के लिए 5 दिसंबर से 11 दिसंबर यानी कि 7 दिनों का यह महत्वपूर्ण समय। दोस्तों, यह समय भाग्य आपके पक्ष में है, कोई राजनीतिक उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है जिससे समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी, सगे संबंधियों का सहयोग भी आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, साथ ही साथ यह समय कोई नजदीकी महत्वपूर्ण यात्रा संपन्न हो सकती है तथा मनोरंजन संबंधी भी कुछ योजनाएं बनेंगी जिससे मन आपका बहुत ही प्रफुल्लित रहेगा। अगर प्रॉपर्टी खरीदने संबंधित कोई योजना बन रही है तो पहले उसका वास्तु आदि द्वारा परीक्षण आप अवश्य करवा लें। या दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप कुछ समय से स्थान परिवर्तन की योजना बना रहे हैं या किसी प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करने से पहले उस पर दोबारा विचार विमर्श अवश्य कर लें, आपको इस समय अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार मिलने से इस समय घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। दोस्तों, साथ ही साथ यह समय आप अपने व्यक्तिगत मामलों को किसी के समक्ष शेयर ना करें, गुप्त रूप से कार्य करने पर आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, साथ ही साथ यह वह समय होगा जब कहीं से आपको कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए तरक्की के नए मार्ग खोलेगा। या दोस्तों, साथ ही साथ यह समय परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, जिस काम के ना होने का आपको डर लग रहा था वह अब बड़ी आसानी से और आपके मनो अनुकूल तरीके से हल हो जाएगा। नवीन वस्त्र आभूषण जैसी चीजें खरीदने की भी अब योजनाएं बनेंगी। दोस्तों, साथ ही साथ यह समय अगर आप घर में कोई सुधार संबंधित योजनाएं बना रहे हैं तो ग्रह स्थितियां बता रही हैं कि वास्तु संबंधित नियमों का पालन करना आपके लिए लाभदायक तथा सौभाग्यशाली रहेगा, बच्चे पढ़ाई के प्रति पूरी तरह से एकाग्रचित रहेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ यह समय कभी कभी ज्यादा सोचने की वजह से तनाव आ सकता है, आपकी कार्य क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है और कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी हाथ से निकल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही अपने भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें, घर की मरम्मत और रख रखाव संबंधित कार्यों में खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है जिससे आपका बजट गड़बड़ा भी जाएगा, इसलिए सावधान रहें क्योंकि इस चिंता का असर आपके सुकून और नींद पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, साथ ही साथ इस बात का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपके रुतबे का कोई नाजायज फायदा भी उठा सकता है जिसकी वजह से आपकी मानहानि भी हो सकती है, आपकी छवि को भी काफी नुकसान पहुंच सकता है।
छवि को आप साफ सुथरा बना कर रखें, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों साथ ही साथ यह समय किसी भी काम को करने में बहुत ही आपको समझदारी से काम करने की आवश्यकता है, अन्यथा वाद विवाद खड़ा हो सकता है। साथ ही पुलिस थाने वगैरह के भी चक्कर लग सकते हैं। किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में ना आकर अपने निर्णय को ही आप सर्वोपरि रखें। दोस्तों साथ ही साथ किसी संबंधी रिश्तेदार से किसी प्रकार की कहासुनी हो सकती है, आपकी कोई जिद आपसी संबंधों को खराब कर सकती है, अतः अपने व्यवहार में लचीलापन रखें। साथ ही अपने खर्चों को भी संयमित रखें। दोस्तों इस बात का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कोई भी काम करने से पहले सब पहलुओं पर सोच विचार करके योजना बनाएं, बाद में उसे आप पूर्ण करें। इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा और आपके लिए ऐसा करना हितकारी रहेगा। दोस्तों बात अगर आपकी लव लाइफ की जाए तो यह समय आप अपने कार्य में जीवन साथी की सलाह लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इससे आपसी संबंधों में मधुरता आएगी, साथ ही प्रेम संबंधों में भी प्रगढ़ता बढ़ेगी। संतान के कैरियर संबंधी शुभ समाचार मिलने से इस समय घर में खुशनुमा माहौल बनेगा। पति पत्नी अपने बच्चे की इस उपलब्धि से अपनी परवरिश पर गर्व करेंगे। साथ ही साथ यह समय आपकी उपलब्धियों की वजह से परिवार में लोग बहुत ही खुशी महसूस करेंगे। आपकी प्रशंसा व आदर भी उनके मन में बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी का आपके प्रति भावनात्मक लगाव आपसी संबंधों में और अधिक मजबूती लाएगा। दोस्तों साथ ही साथ यह समय पति पत्नी के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, परंतु जल्द ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखने की बजाय अपने स्वभाव को ही बदलें, आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों बात अगर आपके व्यवसाय और कैरियर की करें तो यह समय व्यवसाय में सभी कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखना आपके लिए अति आवश्यक है। ध्यान रखें कि सबके साथ संबंध उचित व दोस्ताना बने रहे। ज्यादा टोका-टाकी की वजह से स्टाफ परेशानी महसूस कर सकता है। दोस्तों साथ ही साथ यह समय नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को अपना लक्ष्य पूरा करने पर कोई प्रमोशन भी मिल सकता है। व्यवसायिक स्थल पर भी सभी प्रकार के काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे। योजनाओं को हर किसी के समक्ष आप जाहिर ना होने दें, अर्थात उसे गुप्त ही रखें, अन्यथा कोई इसका फायदा उठा सकता है। दोस्तों साथ ही साथ यह समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े व्यवसायों में सफलता प्राप्त होगी। व्यवसाय में आसपास के लोगों से प्रतिस्पर्धा में आपको जीत हासिल होगी, इसलिए मेहनत से आप ना घबराएं। नौकरी में टारगेट हासिल होने से बॉस व उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों साथ ही साथ व्यवसाय संबंधी जो योजनाएं बनाई हैं वे आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। सभी काम इस समय सुचारू रूप से होते जाएंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों को कोई उपलब्धि मिलने के भी अब अनेकों योग बन रहे हैं। दोस्तों साथ ही साथ यह समय नौकरी पेशा व्यक्ति अपने कार्य को अत्यधिक ध्यान पूर्वक करें, क्योंकि कोई गलती की वजह से अधिकारी वर्ग आपसे नाराज भी हो सकते हैं, परंतु व्यवसाय की गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। मशीनरी आदि से जुड़े व्यवसाय लाभदायक स्थिति में रहेंगे। कोई शुभ व महत्वपूर्ण यात्राएं भी यह समय संपन्न हो सकती हैं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगी। दोस्तों बात अगर आपके स्वास्थ्य की जाए तो यह समय गले में दर्द व खांसी जुखाम जैसी स्थितियां रह सकती हैं। लापरवाही आप बिल्कुल ना करें, तुरंत इसका इलाज लें। दोस्तों साथ ही साथ यह समय वायु विकार और जोड़ों के दर्द संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बादी वाली तथा तली हुई चीजों का सेवन आपको करने से बचना होगा।
वर्तमान परिस्थितियों की वजह से अपना ध्यान आप अवश्य रखें। दोस्तों साथ ही साथ यह समय गर्दन और पीठ से संबंधित दर्द परेशान कर सकता है। योगा तथा व्यायाम के लिए भी आप कुछ समय अवश्य निकालें, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।